रक्षाबंधन पर्व मनाने को लेकर जिले में तैयारियां जोर शोर से है। बाजारों में राखी की दुकानों से लेकर मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हुई है। रक्षाबंधन का त्यौहार कल ही परसों है, इस वजह से सीहोर जिले के मार्केट में और सीहोर जिले के बाजार में आपको बता दें, मिठाई की दुकान से लेकर के और राखी की दुकान तक अलग ही सजावटें देखने को मिली। वहीं पे अभी हम मौजूद है जिला गेट स्थित जनता सुइट में। आइए यहाँ के डायरेक्टर से बातचीत करते हैं और यहाँ पे क्या क्या सुविधा और अच्छा मदन को लेकर क्या सब्सिडी दे रहे हैं और क्या छूट दे रहे हैं, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन गुप्ता हुआ। मेरा ये जनता सुइट दुकान है जिला गेट के सामने। जी, ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधा दे रहे हैं यहाँ पर मिठाई में? ये तो स्पेशल सुविधा है हमारे यहाँ, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, जैसे कि काजू बर्फी है, काजू का अनेक फ्लेवर है, काजू का बर्फी है, ड्राई फ्रूट बर्फी है, कालाकांड है, काजू पिस्ता बर्फी है, ऑरेंज बर्फी है, काजू पिस्ता बाइस है, खोआ का बर्फी है, खोआ में भी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं, छेना का मिठाइयाँ है, स्पेशल हमारे पास फालूसाही है जो सैदपुर से अच्छा क्वालिटी देते हैं हम लोग, उसी रेट में सेम रेंज में अच्छा क्वालिटी आपके सीवर में उपलब्ध है। आप एक बार आप जिला गेट पर आए और जनता सुइट में आए, टेस्ट करें और बताएं कि क्या हमारा स्वाद है, उसके बाद फिर खरीदारी करें। और ऐसे रक्षाबंधन को लेकर भी हमारे पास स्पेशल ऑफर उपलब्ध है, जैसे कि काजू बर्फी में, काजू बर्फी में 15-20% का डिस्काउंट है हमारे यहाँ, उसके बाद कालाकांड में 10% का डिस्काउंट है। बालशाही मिठाई बिहार का प्रसिद्ध माना जाता है रून्नी सैदपुर का, आप कह रहे हैं उससे भी हम अच्छा दे रहे हैं जनता स्वीट जी, क्या क्या कारण है जी? हमारे पास उच्च क्वालिटी का, हमारे पास जो कारीगर उच्च क्वालिटी का, और हम लोग एक नंबर मिठाई बनाते हैं, हमारा विश्वास है कि हम सबसे अच्छा क्वालिटी बना सकते हैं, और कुछ नहीं कहना चाहते। कितने में यहाँ दे रहे हैं, कितने का केजी? बस 180 रुपये पर केजी जो हमारा रेगुलर रेट है, ऐसा नहीं रून्नी सैदपुर के दाम में ही यहाँ पे आप सुविधा मुहैया करा रहे हैं सीहोर में जी, वो रून्नी सैदपुर से अच्छा स्वीट्स। हाँ हाँ, और काजू केटली के बारे में कुछ बताइएगा क्या है? काजू केटली कोलकाता सब जगह खाए, मैं उसे बेहतरीन बना कर दूंगा, हम लोग सब जगह अपना एक रिजर्व किए हैं, देखे हैं, उसके बाद अपना हम लोग बनवाते हैं, उच्च कारीगर द्वारा उत्तम क्वालिटी की मिठाई हमारे यहाँ बनाई जाती है। दिल्ली बॉम्बे से भी अच्छा है, एकदम बढ़िया मिठाई मिलेगा भैया एकदम, आप एक बार खा कर देखिए, आप ही खाइए फिर बताइएगा। और कितने का प्राइस है, क्या लेस? वैसे तो दिल्ली बॉम्बे में 1100-1200 रुपये के लिए केजी है, बट हमारे यहाँ 850 रुपये केजी मिल जाएगा, सिर्फ रक्षाबंधन के लिए कि नहीं, नहीं, रेगुलर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हम रेगुलर मिठाई बेचते हैं, एक ही रेट है, ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन है तो बढ़ा दिए और कल फिर, ऐसा कुछ नहीं। काजू केटली में क्या डालकर आप लोग बनाते हैं, काजू डालकर या मैदा उदा? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, वो बनाने वाले बनाते होंगे, जो हमारे पास क्वालिटी में बोले ना 100% गारंटी ऑफ प्योरिटी, हमारे यहाँ जो उपलब्ध है ना एक नंबर का माल मिलेगा, चाहे छेना के लीजिए, काजू का लीजिए, काजू का जो मिठाई है काजू और चीनी डलता है, बस वही काजू और चीनी है, बस और कुछ नहीं। और मिठाई में और क्या क्या सुविधाएँ हैं? स्पॉन्ज और क्या क्या है? और जैसे कि छेना का रसगुल्ला हो गया, छेना का जैसे कि क्रीम चप है, डेकोरेटेड बर्फी सब है, जलजला है, गुजिया है, ये सब बहुत सारा मिठाई है। जनरली छेना का मिठाई और क्रीम चॉप, ये सब जो डिजाइन बनाए हुए हैं, सेब का डिजाइन तो किधर, सूरजमुखी का डिजाइन है किधर, गुलाब का डिजाइन है तो किधर, कुछ और का डिजाइन है, क्या 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 डिजाइन सब है जनता को लुभाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो खोवा का बर्फी होता है उमन तो खोवा का ही होता है, उसका डिजाइन अलग अलग तरीके से किया जाता है, और डिजाइन पर जो कोस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 400 से स्टार्टिंग है हमारे यहाँ खोवा का मिठाइया। अच्छा, आपके यहाँ सबसे कम में कितना का मिठाई है? सबसे कम हम लोग बालशाही है, सबसे ज्यादा में काजू कटली है। कालाकंद का क्या भाव है? कालाकंद 450 रुपये हमारा रेट है, लेकिन हम लोग अभी 420 रुपये पर केजी बेच रहे हैं। अच्छा, जनता के लिए आप अपने ग्राहकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ग्राहक नहीं कहिए सर, हमारे परिवार है, ग्राहक हमारे परिवार है, उनका हमारे दुकान से या हमसे इतना विश्वास है कि हमारे पास आते हैं और सामान का खरीदारी करते हैं, और हमने ग्राहक नहीं अपने परिवार को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन ग्राहकों के लिए क्या अपील करना चाहते हो आने के लिए? से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, आप जनता सुइट में आए और खरीदारी करें, और रक्षाबंधन का और ढेर सारा शुभकामनाएं हमारे आप लोगों के साथ है, आपका और मेरा, और जैसे कि आप तो हमारे परिवार जैसे हैं, ग्राहक को हम कभी अपने ग्राहक के साथ भी है नहीं करते हैं, ग्राहक जैसा वो हमारे परिवार जैसा है, उनका विश्वास ही हमारा रिश्ता है और प्रेरणा है, और क्या।